एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। हमको सवाल में द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल नीचे दिए गए है। मतलब कि हमको यहाँ पर शून्यकों का योग दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है ऋण का 1 और ज्ञात करना है हमको द्विघात बहुपद। अरे मित्रों, ये जो सवाल है ना, कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.2 के दूसरे का पहला सवाल है। तो देखिए, सवाल बहुत सरल है और एक बार समझ लोगे तो पूरा का पूरा बनने लग जाएगा। तो पहला सवाल है, देखो शून्यकों का योग यहाँ पर साफ साफ बोला है, शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः नीचे दिए गए हैं। मतलब कि शून्यकों का योग दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है ऋण का 1, है ना। तो देखो हल करना बहुत सरल है, क्या ज्ञात करना है। अरे जे लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो जिसे हमें सवाल में ज्ञात करना होता है उसको हम मान करके चलते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना माना द्विघात बहुपद ax^2 + bx^c है। माना द्विघात बहुपद ax^2 + bx^c है। ये द्विघात का व्यापक समीकरण होता है इसलिए हर बार हम इसी को मानते हैं। माना द्विघात बहुपद ax^2 + bx^c है और उसको मैंने समीकरण ए नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, समीकरण ए नाम दे दिया। और मैंने ये मान लिया कि इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक है। इसका पहला शून्यक है अल्फा और इसका दूसरा शून्यक है बीटा। अरे हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग, अरे दिमाग खराब नहीं है बबुआ। अरे सिंपल सी बात है, इसके 2 शून्यक मान लिए, पहला शून्यक हो गया इसका अल्फा और दूसरा शून्यक हो गया इसका बीटा। अब क्या दिया है हमको, दिया है शून्यकों का योग दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है ऋण का 1। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो दिया है क्या, दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर दिया है 1/4। अरे सवाल में दिया है ना नलायक 1/4, तो यहाँ पर लिख देंगे हम शून्यकों का योगफल बराबर 1/4 शून्यकों का योगफल। पहला शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्यक है बीटा। शून्यकों का योगफल मतलब कि अल्फा धन बीटा बराबर का बराबर 1/4 का 1/4। अब सूत्र होता है शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर होता है ऋण बी बटे ए। पढ़े हो ना, शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा धन बीटा बराबर होता है ऋण का बी बटे ए, होता है ना। तो अल्फा धन बीटा शून्य को अल्फा धन बीटा बराबर होता है ऋण बी बटे ए। मतलब अल्फा धन बीटा की जगह मैं यहाँ पर ऋण बी बटे ए रख सकता हूँ। सूत्र है ना नलायक, तो बताया था मैंने पिछले वीडियो में, बराबर का बराबर 1/4 का 1/4। ये हो गया समीकरण एक, ये हो गया समीकरण एक, हो गया है ना, हो गया समीकरण एक। अब देखना अगला सूत्र होता है हमारा, अगला हमको यहाँ पर क्या दिया है, हमको यहाँ पर दिया है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हमको दिया है यहाँ पर ऋण का 1। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, दिया है तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया है ऋण का 1। शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्यक है बीटा, दोनों का गुणनफल बराबर का बराबर दिया है ऋण का 1। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने ऋण का 1। अल्फा गुणा बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटे ए। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए। तो यहाँ पर मैं रख दूंगा शून्य का गुणनफल, जगह रख दिया मैंने यहाँ पर सी बटे ए बराबर का बराबर ऋण का 1। अब देखिए, इसके बटे में कुछ नहीं तो मैंने यहाँ पर 1 मान लिया, इसके बटे में कुछ नहीं तो मैंने कितना मान लिया, 1 मान लिया। यहाँ पर 1 का मान 1 है और यहाँ पर 1 का मान 4 है, ये तो सरासर नाइंसाफी है। अरे यहाँ पर 1 का मान 1 है, यहाँ पर 1 का मान 4 है, यहाँ पर दोनों मान बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 का मान 1 है तो यहाँ पर भी 1 का मान 1 ही होना चाहिए, या फिर यहाँ पर 1 का मान 4 है तो यहाँ पर भी 1 का मान 4 होना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर 1 का मान 4 है तो हम यहाँ पर 1 का मान 4 कर देंगे। यहाँ पर 1 का मान 4 कब आएगा, जब मैं यहाँ पर 4 का गुणा कर दूंगा। लेकिन देखिए दोस्तों, जब कभी भी अगर मैं यहाँ पर 4 का गुणा करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 4 गुणा करता हूँ तो मुझे ऊपर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, ये नियम होता है। क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 1 का गुणा करो या भाग करो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। इसलिए मैं 4/4 का गुणा कर दूंगा, इस भिन्न में मैं 4/4 का गुणा कर दूंगा। तो 4 1 कम नीचे 4 हो जाएगा, जिससे 1 का मान 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 का मान 4 है। क्योंकि यहाँ पर 1 का मान 4 है
इसीलिए हमको यहाँ पर भी एक का मान चार लेकर के आना पड़ेगा। और यहाँ पर एक का मान चार तभी आएगा जब अंश अंश में और हर में दोनों पक्षों में चार का मैं गुणा करूँगा, इसलिए मैं यहाँ पर चार का गुणा करूँगा। तो सी बटे का सी बटे बराबर का बराबर ऋण एक का ऋण एक चार गुणा चार बटे चार गुणा मैंने कर दिया, यहाँ पर चार बटे चार का मैंने गुणा कर दिया, चार एक कम चार ऋण का ऋण बटे चार का चार। अब यहाँ पर भी एक का मान चार हो गया और यहाँ पर भी एक का मान चार हो गया, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एक का मान आ गया यहाँ पर चार, सी का मान है यहाँ पर ऋण का चार, सी का मान है यहाँ पर ऋण का चार, सी के बराबर में ऋण का चार ना, सी का मान आ गया यहाँ पर ऋण का चार। बी का मान देखिए यहाँ पर ऋण बी का मान है यहाँ पर एक है ना, ऋण बी का मान है यहाँ पर एक, ऋण बी का मान है यहाँ पर एक है ना। देखिए ऐसा हुआ यहाँ पर ऋण बी का मान है यहाँ पर एक है, ऋण बी का मान यहाँ पर एक है तो ऋण उस तरफ चल जाएगा, तो बी का मान जाएगा ऋण का एक, बी का मान जाएगा ऋण का एक। अब ए का मान आ गया, बी का मान भी आ गया, सी का मान भी आ गया, ए बी सी सबके मान आ गए है ना, ए का मान भी आ गया, बी का मान भी आ गया और सी का मान भी आ चुका है। ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया, तो ए बी सी के मान यहाँ रख दो, ए का मान यहाँ रख दो, बी का मान यहाँ रख दो, सी का मान यहाँ रख दो, तो हमको द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। इतना सा सवाल है, इतना सा सवाल, तो रख दो मान, ए का मान है चार एक्स स्क्वायर के स्क्वायर धन का धन, बी का मान है ऋण का एक गुणा एक्स का एक्स धन, सी का मान है ऋण का चार। मान कहाँ रखें, मान हम रखें एक्स की घात दो, सॉरी एक्स की घात दो धन बी एक्स धन सी बराबर सी में रखें, ए का मान है चार एक्स की घात दो का एक्स की घात दो धन का धन, बी का मान है ऋण का एक एक्स का एक्स, दोनों बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा का चिन्ह है, धन का धन, सी का मान है यहाँ पर ऋण का चार। अब चार गुणा एक्स की घात दो बराबर चार एक्स की घात दो हो गया, धन गुणित ऋण बराबर यहाँ पर ऋण हो गया एक्स का, यहाँ पर एक्स हो गया, धन गुणित ऋण बराबर ऋण हो गया चार का चार, और जो हो गया तुम्हारा आंसर। बहुत ही सरल सवाल है, इसका अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी बहुत सरल है। यहाँ पर हमको शून्यकों का योगफल दिया है, यहाँ पर करणी दो और शून्यकों का गुणनफल दिया है एक बटे तीन, शून्यकों का योगफल दिया है करणी दो और शून्यकों का गुणनफल दिया है एक बटे तीन। हमको यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना होता है हम उसको मान करके चलते हैं, तो माना द्विघात बहुपद एक्स की घात दो धन बी एक्स धन सी है, अरे माना द्विघात बहुपद एक्स की घात दो धन बी एक्स धन सी है, तथा इसके शून्यक, तथा इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है, इसका पहला शून्यक अल्फा है तथा इसका दूसरा शून्यक बीटा है। अब जो जो दिए वो मान लो है ना, हमको यहाँ पर दिया शून्यकों का योगफल दिया है करणी दो, तो जो दिया है वो लिख लो, दिया है शून्यकों का योगफल, दिया है शून्यकों का योगफल बराबर दिया है करणी दो, शून्यकों का योगफल बराबर दिया है करणी दो, तो शून्यकों का योगफल पहला शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्यक है बीटा, दोनों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर का बराबर करणी दो का करणी दो। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है ऋण बी बटे ए, सूत्र होता है, सूत्र होता है नलायक सूत्र होता है, याद क्यों नहीं कर रहा तूने गमार, शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर होता है ऋण बी बटे ए बराबर का बराबर करणी दो का करणी दो। इसको मैंने समीकरण एक नाम दे दिया है ना। अब अगला हमको यहाँ पर दिया है, देखिए सवाल में आपको क्या दिया, सवाल में आपको दिया है शून्यकों का गुणनफल आपको दिया है एक बटे तीन, शून्यकों का गुणनफल आपको दिया है एक बटे तीन, तो सिंपल मान रख दीजिए यहाँ पर आप, तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया है एक बटे तीन, पहला शून्यक है अल्फा दूसरा शून्यक है बीटा, दोनों का गुणनफल बराबर दिया है एक बटे तीन का एक बटे तीन, और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए बराबर का बराबर एक बटे तीन का एक बटे तीन। इसको मैंने समीकरण दो नाम दे दिया। अब समीकरण एक और दो को हम इकट्ठा लिख देंगे, तो समीकरण एक बरा एक क्या है, ऋण बी बटे ए बराबर करनी दो, और समीकरण दो है यहाँ पर सी बटे ए बराबर एक बटे तीन, तो यहाँ पर हम कंबाइंड रूप से लिख देंगे है ना, समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक है ऋण बी बटे ए बराबर करनी दो, और समीकरण दो था हमारा सी बटे ए बराबर एक बटे तीन, अभी हमें निकाल करके लाया था है ना, लाया था। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं, मैंने यहाँ पर एक मान लिया एक, यहाँ पर एक का मान तीन है और यहाँ पर एक का मान एक ही है, ये तो सरासर नाइंसाफी है, और यहाँ पर एक का मान तीन है, यहाँ पर एक का मान एक है, यहाँ पर भी तीन होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर एक का मान तीन तो यहाँ पर भी एक का मान तीन होना चाहिए, और यहाँ पर तीन कब आएगा, जब मैं तीन का गुणा नीचे भी करूँगा और तीन का गुणा ऊपर भी करूँगा, जब मैं यहाँ पर नीचे तीन का गुणा कर दूँगा तो यहाँ पर तीन आ जाएगा, और चूंकि नीचे तीन का गुणा कर रहा हूँ इसलिए मुझे ऊपर भी तीन का गुणा करना
पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर तीन का गुणा अंश में भी कर दूंगा और तीन का गुणा हर में भी कर दूंगा। तो देखिए करनी दो का करनी दो, 3/3 का मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया, ऋण देखिए ऋण बी बटे ए का ऋण बी बटे ए बराबर का बराबर करनी दो का करनी दो गुणा, है ना, गुणा 3/3 का मैंने ऊपर नीचे यहाँ पर कर दिया गुणा, फिर कोमा कोमा c/a बराबर का बराबर 1/3 का 1/3, 1/3 का हो गया यहाँ पर 1/3, है ना। अब देखिए बराबर किस तरफ, ऋण बराबर, देखिए बी में यहाँ पर ऋण लगा है ना, तो ऋण का उस तरफ पक्षांतर हो जाएगा, तो ऋण 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 मतलब कि उस तरफ चल जाएगा, तो यहाँ से ऋण उचक करके इस तरफ चल गया, है ना। 3 का 3 करनी दो का करनी दो, है ना, इसको सिर्फ उल्टा करके लिखा हूँ मैंने, 3 को मैंने सामने लिख दिया हूँ, करनी दो का करनी दो बटे का बटे 3 का 3 का कोमा c/a बराबर का बराबर 1/3 का 1/3, यहाँ पर a का मान 3 है, यहाँ पर b का मान 3 है, तो यहाँ पर a का मान आ गया 3, यहाँ पर b का मान ऋण 3 करनी दो है, तो b की जगह लिख दिया मैंने ऋण 3 करनी दो, तथा सी का मान कितना है, सी का मान यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर सी का मान मैंने 1 लिख दिया। अब सिंपल मान रख देंगे तो द्विघात बहुपद हमने क्या माना था, हमने माना था द्विघात बहुपद x^2 + bx + c, है ना, तो मान रख दो a का मान है 3, तो एक ही जगह रख दिया मैंने 3, x^2 + x^2 + b का मान यहाँ पर है ऋण 3 करनी दो, तो b का मान रख दिया ऋण 3 करनी दो, x का हो गया यहाँ पर x, धन का धन, और c का मान है 1, तो यहाँ पर c का मान मैंने रख दिया 1, और जो हो गया अपना आंसर। टाटा बाय बाय, अगले वीडियो में मिलना, चल निकल भाई।